एक सपनों का शहर। हर आदमी अपने अपने सपने लेकर जाने कहां कहां से यहां आते हैं। मैं भी यहां कुछ सपने लेकर आया था, मगर मुझे क्या पता था कि यहां मेरे साथ क्या होने वाला है, और जो हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ? माचिस है, माचिस। क्यों, बीड़ी जलानी है क्या? नहीं, चिता में आग लगानी है। शहर में नए आए हो, ऐसे क्या दिख रहे हो? भिखारी लग रहा हूं तुम्हें? यहाँ का जो वॉचमैन है ना, वो भिखारियों के इस पार्क में नहीं आने देता। परेशान हो? वैसे तुम्हारी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा है दिन भर से तुमने कुछ खाया नहीं है। दिन भर नौकरी ढूंढते रहे, कई दरवाजे खटखटाए, नौकरी नहीं मिली। आप वैसे हो कौन? अपना ही कोई समझो। एक परेशान इंसान को एक परेशान इंसान ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। बताओ क्या हुआ तुम्हें? गांव से नौकरी की तलाश में यहां आया हूं। LLB किया है मैंने गांव से। यहां के लोगों को तो लगता है कि गांव के लड़के बस हल चलाने के काम के होते हैं, नौकरी तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सुबह से दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गया हूं। सोचा था कि जहां नौकरी लगेगी वहां रहने खाने और सोने का इंतजाम हो ही जाएगा, नौकरी नहीं मिली। और वैसे इस अनजान शहर में कोई अपना भी नहीं है, जा जाके रह लूं उन लोगों के पास। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने पैसे लेके आया था वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कोशिश करो, नौकरी मिल जाएगी, ये मेरा वादा रहा। वकील साहब, यहां बगैर पैसों के कोई नहीं रहने देगा तुम्हें। मायूस मत हो, यहां एक पास में चौल है, वही मेरा घर है, उसमें रह सकते हो, मेरे अपने कानून में। कोई सवाल मत पूछना मुझसे, और फ्री में नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, तो मेरी जॉब लगते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, बस मेरा एक काम करना होगा। अगर मंजूर है तो हाँ, नहीं तो जब तक गेट बंद नहीं होता तब तक इस पार्क में बैठे रहो, उसके बाद फुटपाथ है। और कोई रात को तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा जाएगा, बस यहाँ लावारिस का कोई पता नहीं पूछता। हाँ, लेकिन वैसे मुझे नौकरी लगने के बाद आपका कौन सा काम करना होगा? कोई मुश्किल काम नहीं है, जॉब तो लग जाने दो। अब आओगे कि बैठे रहोगे यहीं? आ जाओ। हाँ, लेकिन सुनिए तो। देखो, कोई सवाल नहीं पूछोगे, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और इस तरह एक अनजान आदमी के साथ मेरे सफर की शुरुआत हुई। वहां उस गमले में चाबी रखी है, निकालो और दरवाजा खोलो। जब भी आना जाना हो चाबी वहीं रख देना। जी। ताला खोलो।
कैसे रहते हैं? क्यों? कितना गंदा घर है। बहुत दिनों से आए नहीं यहाँ। आप साफ सफाई नहीं करते? जब यहाँ आई नहीं तो कैसे करूंगा साफ सफाई? आप एक काम करेंगे, मैं बस थोड़ी देर में ये साफ कर देता हूँ तो थोड़ा बाहर रुकेंगे। नहीं नहीं, वो रहने दो, आप वहां सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। नहीं, मैं ऐसी जगह नहीं सो सकता, प्लीज आप थोड़ी देर बाहर रुकिए ना। हाँ, बस यूं ही कर देता हूँ। तुमने एकदम चमका डाला। जी, चलो साफ सफाई हो गई। भूख लगी है? हाँ, मुझे भी लगी है। वो ड्रॉर में पैसे हैं, बाहर एक दुकान है, वहां से कुछ खाने के लिए ले आओ। जी। लीजिए। वाह, क्या खुशबू है। माँ ने सिखाया खाना बनाना। गांव के यही फायदे हैं, बचपन से ही सब कुछ सीखने मिल जाता है। वैसे आपकी फैमिली कहाँ रहती है? जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आता है जहां चाहकर भी अपने परिवार से नहीं मिल पाते। मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। दुनिया में मेरा कोई परिवार नहीं है। माफ कीजिए। वैसे आप देखो, अब कोई सवाल नहीं करोगे, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। काफी सारी ठोकरें खाने के बाद आखिरकार एक जेंटलमैन ने मुझे केस दे ही दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक केस मिला है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आई हेल्प यू सर। ये कोई स्कूल के बच्चे का एग्जाम नहीं है और ना ही कोई इंटरव्यू। भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं लड़ी फिर भी शत्रु का नाश कर दिया सिर्फ अर्जुन को गाइड करके। नहीं, आप किशन भगवान है और नहीं मैं अर्जुन। अरे बता दो यार, कोई पैसे खर्च नहीं होते। जिस तरह आजकल मोबाइल में इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री है, उसी तरह सलाह लेने में और देने में कोई खर्च नहीं होता। लग गई तो ला के, नहीं तो खा के। अब देखिए, ये मेरा जो क्लाइंट है, इसके डॉक्यूमेंट्स पे किसी ने फर्जी साइन कर दी है और उसके सामने केस कर दिया। मेरा क्लाइंट तो परेशान है कि उसने तो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया है, तो बताइए क्या करें।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने बोला था ना कि आप कुछ नहीं बता पाएंगे। आप बिना मतलब की बात ऐसे कुछ भी यार, सच में। IPC 467। अपने सीनियर से कहो फाइल करे, केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? पढ़ा था कहीं, याद आ गया, बता दिया। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन मेरे प्यारे प्यारे दिन। जी सर। कविता जी है घर में? कविता जी? नहीं सर, यहाँ कोई कविता जी वगैरह नहीं रहती। तुम कौन हो? सर मेरा नाम मयूर है, पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। जिस घर में रहते हो उस घर की मालकिन कविता जी है, तुम्हें मालूम नहीं? नहीं सर, मैं यहाँ जिसके साथ रहता हूँ उन्होंने तो कहा था कि ये घर उनका है। ठीक है, जैसे ही वो आए उन्हें कहना मुझे कॉल करे, मेरा नंबर ले लो। जी सर। बताइए। 9967501653, उन्हें कहना याद से कॉल करे। ठीक है सर। अरे वाह, मिठाई। क्या हुआ? ये भगवान के लिए थे, भगवान को भोग चढ़ाना था मुझे। मुझे दिखे, मैंने खा ली। कैसे इंसान हो यार आप? मेरी पहली कमाई के थे वो, कल की केस का हाल बताया तो उन्होंने खुश होकर एडवांस पैसे दे दिए थे। सोचा था कि भगवान को मिठाई चढ़ा दूंगा। समझो भगवान ने खा लिए, वैसे भी तो हल मैंने ही दिया था। आप नहीं समझोगे। वैसे आप थे कहां दिन भर आज? और ये मिठाई? पहले मिठाई तुम भगवान के लिए लेके आए थे, मैंने खा ली। मैं तुम्हारे लिए लेके आया, तुमने भगवान को दी, उसने नहीं खाई। इसका मतलब ये कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसे तुम्हारी नहीं। आप बिना सच में कमाल के हो। मतलब मुझ जैसे अनजान आदमी को घर में रखते हो अपने, खाना
खाना भी खिलाते हो, मेरी उलझन को सुलझाते भी हो, और मैं आपकी मिठाई खाने पर गुस्सा हो जाता हूं। इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है ना। गलती हो गई मुझसे, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। A friend relation is more than blood relation. वैसे मुझे नया केस मिला है। अच्छा, वाह, लॉयर के साथ रह के तुम्हें काम मिल गया लॉयर का? अच्छा, मतलब आप लॉयर हो? ओ हाँ, तभी तभी आप वो 467 वाला सुझाव दे रहे थे। हाँ। समझ ही नहीं पाया, कितना बुद्धू हूं ना मैं। बुद्धू नहीं, बहुत होशियार हो तुम। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आया था, दर दर भटक रहा था, कोई काम नहीं था, कोई साथ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें सहारा दिया। लेकिन इसके पीछे मेरा एक स्वार्थ था। हाँ, आपका काम करना है ना मुझे। काम तो करना पड़ेगा। ये कविता जी कौन है? क्यों नहीं, वो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पुलिस आई थी और कविता जी के बारे में पूछताछ कर रही थी। मेरी बेटी है। तो अब नहीं है यहाँ? अब कहाँ रहती है? मालूम नहीं मुझे। रुको, कोई वो मेरे बारे में कुछ मत बताना। अरे जी सर। कविता जी आई? सर, कविता जी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है। कहां दिन भर घूमते रहते हो यार आप? हाँ? और भी बहुत काम होते हैं करने के लिए। वैसे मैं भी आज बहुत जल्दी घर आ गया था, जल्दी काम हो गया था तो जल्दी घर आ गया। हाँ, वो मेरे पहले केस के पैसे मुझे और ज्यादा मिल गए। तो नहीं, वो आपने कहा था ना कि तुम कमाने लगोगे तो मैं अपना काम बता दूंगा तुम्हें। कहा तो था, ये काम बड़ा अजीब है। हाँ तो बताइए। मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत करीबी दोस्त, मैं वहां नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसे ऐसे देख सकूं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको वहां एक बार जाना चाहिए। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। ठीक है तो, लेकिन मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उसका उसका अंतिम संस्कार करना होगा। पर मैं कैसे कर सकता हूं? तुम्हें ये करना होगा। मेरी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। तुम्हें पता है मैं कितना इमोशनल हूं। डाइवोर्स का कोई केस तुम्हें ठीक तरह से लड़ नहीं सकता, यहां तो चिता में आग लगाने वाली बात है। देखो, तुमने वादा किया था मेरा काम करने के लिए, अगर ना भी करो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन पैसे कितने लगेंगे? पैसों की कोई बात नहीं है, ड्रॉअर में पैसे रखे हुए हैं, निकाल लो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बस तुम मेरा एक काम कर दो, मुझे शांति मिलेगी। आप मेरे साथ आएंगे ना? मतलब भले ही आप दूर से देख लीजिएगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं।
आज इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ इनका, लेकिन आज भी पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जहाँ का बता दे पता तू।